नमस्कार भैया। भैया पाठ 13 याद की श्रेष्ठ गुरु परंपरा के अंतर्गत 10 गुरु के बारे में बता दिए थे। कब अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह अपने पुत्र को भी देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गंवा दिए, अपने को भी यानी कुर्बान कर दिए। भैयावान उसके बाद आगे आया, अगला बिंदु है बंदा बैरागी। बंदा बैरागी अपना सर्वस्व लुटाकर जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण भारत की ओर चल पड़े तो रास्ते में उनकी भेंट एक साधु से हुई। उस साधु के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। यवन लक्ष्मण दास मुगलों के अत्याचार को देखकर वह संत का खून खौल उठा और गुरु गोविंद सिंह की प्रेरणा से यवन की प्रेरणा जगाने का काम लोग करते थे। वे प्रेरणा से धनुष बाण लेकर खड़े हो गया, बोले बंदा हाजिर है। और आगे चलकर वह व्यक्ति लक्ष्मण दास बंदा बैरागी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भैयावान ये गुरु गोविंद सिंह के बताए रास्ते पर चले, बिखरे हुए सैनिकों को जोड़कर इकट्ठा करके और एक छोटी सी सेना खड़ी करके गुरु पुत्र के हत्यारे यानी गुरु गोविंद सिंह के हत्यारे को से चुन चुन कर बदला लेने का काम किया। भैयावान देशद्रोहियों के कारण वे पकड़े गए, उनको यातनाएं दी गई, धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया, लेकिन वे नहीं बदले, अपना धर्म नहीं बदले। उनके पुत्र को बोटी बोटी काट कर उसका मांस उनके मुंह में ठूस दिया गया। भैयावान कितना अत्याचार किया गया इससे आप समझ सकते हैं, लेकिन वे अपना धर्म नहीं छोड़े। धर्म आर्य ऐसा विलक्षण बलिदान देकर वीर बंदा बैरागी अमर हो गए। भैयावान इसके बाद अगला बिंदु है वीर बालक हकीकत राय। भैयावान आपको पता होगा कि एक के बाद एक महापुरुष हमारे देश में हुए जो अपने देश की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आए, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। ये वीर बालक हकीकत राय भी ऐसे ही व्यक्ति थे। पंजाब प्रांत के सियालकोट नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम भागमल था, माताजी कौरा देवी। बालक नित्य मदरसे में पढ़ने जाया जाता था, लेकिन मदरसा के अन्य बालकों के साथ घुल मिलकर रहता था। एक दिन की घटना घटी, अपनी पाटी यानी स्लेट, पहले यानी स्लेट पर बच्चे पढ़ते थे, वह स्लेट एक तरह का होता था जिस पर पेंसिल से लिखा जाता था, छोटे छोटे बच्चे उस पर लिखते थे और मिटा देते थे फिर लिखते थे। माँ दुर्गा का चित्र बनाया, मौलवी को यह सहन नहीं हुआ, यानी वह दुर्गा का चित्र बनाने पर मौलवी गुस्से हो गए और देवी माँ को कुछ अशब्द बात कह दिया। यह बात वह बालक को अच्छा नहीं लगा और वह कठोर शब्दों में उत्तर दिया। बस इसी बात को लेकर बालक पर अत्याचार की पहाड़ टूट पड़ी और मौत की सजा सुना दी। या वो एक छोटा सा बालक अपनी धर्म के प्रति आस्था जगाने के कारण उसे मौत की सजा दिया गया। भैयावान बसंत पंचमी जो अभी पिछले दिन हुआ सरस्वती पूजा, वह बसंत पंचमी का दिन कहलाता है। भैयावान उसी दिन उस बालक का सिर काट डाला गया, मृत्यु दंड से बचने के लिए काट डाला गया। भैयावान उससे पहले उस बालक को अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया, बहुत सारे प्रलोभन दिए गए, लेकिन बालक अपने को यानी अपना मृत्यु स्वीकार कर लिया, लेकिन वो अपना धर्म नहीं छोड़ा। भैयावान इसी बसंत पंचमी के लिए वह उनका बलिदान हुआ था। भैयावान अगला बिंदु है महाराजा रंजीत सिंह। भैयावान महाराजा रंजीत सिंह भी एक ऐसे महापुरुष थे, इनका जन्म ही पंजाब प्रांत में ही हुआ था। ये शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए थे। भैयावान महाराजा रंजीत सिंह का जन्म गुजरानवाला नामक स्थान पर हुआ था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भैयावान ने पंजाब
आज़ादी के समय बट गया और वो आधा पंजाब पाकिस्तान में जो चला गया, आधा हिंदुस्तान में। तो अभी पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है उस पंजाब में उनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के मरने के बाद खालसा सेना बिखर गई थी, बिखर गया था चारों तरफ, इनको फिर से आपस में मनमुटाव बढ़ गया था। भाग्य से ये व्यक्ति का उदय होता है, योग्य नेता का उदय होता है और वह बिखरी हुई सेना को यानी सिखों को यानी एकत्र करके एक साथ संग्रह किया और सिख भी पंजाब के प्रमुख यानी व्याकर्म से सिख भी पंजाब के लिए प्रमुख बन गए। अब उन्होंने अपना कौशल दिखाना, अपनी बहादुरी दिखाना शुरू किया। भैया कई रियासतों को संगठित कर अफगानों को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया, भगा दिया। भैया अफगान शासक शाह सुआ ने महाराजा रंजीत सिंह को प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट में दिया। भैया ऐसे थे बहादुर। रंजीत सिंह एक योग्य सेना नायक व कुशल शासक थे, उनकी वीरता के कारण लोग उन्हें शेर पंजाब कहते थे। भैया आज आपसे पूछा जाए कि शेर पंजाब किसको कहा जाता था, क्या कहा जाता है, महाराजा रंजीत सिंह यावन ऐसे वीर पुरुष थे। प्रजा उनसे काफ़ी खुश रहती, प्रसन्न रहती। भारत के अनेक राजा अंग्रेजों के जाल में फंसे हुए थे, ऐसे ही समय में रंजीत सिंह ने बुद्धिमानी से अपना धर्म और देश सुरक्षित रखा। ऐसे प्रतापी सेना नायक पर हमें गर्व है, गर्व है। भैयावान आप देखें कि कैसे अपने देश अपने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने अपना ये कार्य किए, योगदान दिए। तो इस तरह भैया वाले अध्याय आपका पूरा होगा। आज का गृह कार्य आप लिख देंगे, गृह कार्य पा तेरा का रस दो बनाकर या करे। भैया आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन अगले का काम सुन लेंगे। धन्यवाद।